बताते हैं कि जवानी में भगवान का नाम रटना तो अभी से रटना शुरू कर दो, कि जवानी से ही किसी चीज का प्लान बनाओगे तभी आगे कामयाब होगे। बुढ़ापे में कहते हैं भाई अभी तो बच्चे से, अभी बच्चे सयाने नहीं हुए, अभी आगे लेंगे नाम, आगे जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे राम राम कहने के लिए बोलोगे तो आम आम आएगी। तो कवि ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी है इस भजन के ऊपर कि जवानी में कोई ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें और हमारे परिवार को नीचा देखना पड़े। तो ऐसे ही राजस्थान की बात है, राजा भोज हुआ करते थे जिनको घमंड हो गया, और राजा भोज जंगल में सैर करते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बुढ़िया जिसकी लगभग उम्र 100 वर्ष से अधिक थी झुक करके चल रही थी। तो राजा का उस बुढ़िया को देखकर मजाक सूझ गया और हास्य रंग में कहने लगे, अरे कोडी चाले डोकरी तू किसकी निकाले खोज, अरे क्या कुछ तेरा खो गया यूं पूछे राजा भोज। बुढ़िया माता कहने लगी कि हाँ बेटा तुम ठीक कहते हो, मेरा खोया तो जरूर है लेकिन जो मेरी वस्तु खोई है वो तेरे पास है। राजा कहने लगे कि माता क्या कहती हो आप, मैं राजा हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं। बेटा तुम हो कोई भी लेकिन मेरी जो खोई हुई वस्तु है वो तेरे पास है, पर अफसोस ये है कि वो भी तेरे पास रहने वाली नहीं है, तुझसे भी चली जाएगी। तो कहा है कि ये जो जवानी है ये रुकने वाली नहीं है, रुकेगा बुढ़ापा ही आके। अरे मत कर ऐब जवानी में, लगड़े भाई के रोज बुढ़ापा आवेगा, अरे कर के करनी आखरी में तेरे सब सब संपत्ति भी टूटे, वक्त आखरी में तेरे सब संपत्ति भी टूटे। अरे घड़ा पाप का भर के फूटे, घड़ा पाप का भर के फूटे, फिर छिड़वाया जावेगा करके करनी याद बात में। Yeah।
कोई कष्ट सताता, मीठे मीठे फल